everyone, this is Renu and you are watching Q-Trix. In this video, we are going to do polygon chapter exercise 14A. We are going to solve this exercise in this video. In this exercise, there are total 9 questions and today we are going to solve these 9 questions in this video. Starting with our question number first, that is, find the measure of each exterior angle of a regular. ठीक है, हमें क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है रेगुलर शेप्स की. ये रेगुलर शेप्स हमें गिवन है. तो फर्स्ट है पेंटागन. पेंटागन का हमें क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है. तो फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन निकालने का, 360 अपॉन एन. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन. तो फर्स्ट क्या गिवन है, पेंटागन गिवन है. पेंटागन मीन्स एन. क्या होता है पेंटागन में, कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं. तो एन क्या है, साइड्स हमारी. तो 360 अपॉन एन मीन्स 360 अपॉन 5. तो क्या हो गया, 360 अपॉन 5 मीन्स 72 डिग्री आ गया. ओके, सेकंड है हमारा हेक्सागन. हेक्सागन मीन्स एन इज इक्वल टू 6. मीन्स हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं. तो हमारे पास 360 अपॉन एन मीन्स 360 अपॉन 6. तो जो क्या आ गया हमारा, 60 आंसर आ गया. तो 60 डिग्री क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन होता है. ओके, आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे. वो क्या गिवन है, हेप्टागन गिवन है. हेप्टागन मीन्स एन इज इक्वल टू 7. हेप्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, 7 साइड्स होती हैं. तो 360 अपॉन एन इज इक्वल टू 360 अपॉन 7. दैट मीन्स 360 अपॉन 7 क्या होता है, इसे डिवाइड करेंगे तो आ गया 41.43 डिग्री. तो मीन्स ईच साइड इन द रेगुलर हेप्टागन ऑफ एक्सटीरियर इज 51.43 डिग्री. फिर है फॉर हेगागन. तो हेगागन मीन्स एन इज इक्वल टू 10, मीन्स 10 साइडेड. तो 360 अपॉन एन मीन्स 360 अपॉन 10 इज इक्वल टू 360 अपॉन 10 क्या हो जाएगा, 36 डिग्री. तो मीन्स ईच साइड क्या हो जाएंगी एक्सटीरियर की, 36 डिग्री. फॉर अ पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स, एक पॉलीगन है जिसमें 15 साइड्स हैं, तो उसमें ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15. तो 360 अपॉन एन हो जाएगा. 360 अपॉन एन, अपॉन एन मीन्स एन क्या है, 15 है. तो 360 अपॉन 15, तो n मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ 15 साइडेड फिगर का आ गया 24 डिग्री. तो ईच एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ 15 साइडेड फिगर इज 24 डिग्री. द सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन. क्या ये पॉसिबल है होना एक रेगुलर पॉलीगन, ईच ऑफ वो एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री, जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल क्या हो, 50 डिग्री हो. ठीक है, तो ये पॉसिबल है. तो हम इसे देखते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, हर एक एक्सटीरियर एंगल एन साइडेड पॉलीगन का क्या होता है, 360 अपॉन एन होता है. इफ द एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री, अगर एक्सटीरियर एंगल क्या है, 50 डिग्री है, देन 360 अपॉन एन इज इक्वल टू 50. ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू हमें निकालनी है. तो n की वैल्यू कैसे आएगी देखना, यहाँ पे n क्या है, डिवीजन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. तो मीन्स 360 अपॉन 50 इज इक्वल टू n हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से n आ गया, 0 से 0 गया, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35.2 जा 10, तो 7.2, n इज इक्वल टू 7.2 आ गया. तो 7.2 क्या, एक होल नंबर नहीं है, इंटीजर नंबर नहीं है. तो वी कैन नॉट हैव अ पॉलीगन ईच साइड 50 डिग्री, इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि 7.2 तो कोई साइड ही नहीं हो सकती है ना. तो इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा, कोई भी पॉलीगन नहीं हो सकता है जिसका एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 50 डिग्री हो. क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखिए क्या गिवन है, फाइंड करना है द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल. हमें क्या करना है, ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का हैविंग जिसमें क्या है, 10 साइड्स हैं, 15 साइड्स हैं. ठीक है, फॉर रेगुलर पॉलीगन विथ एन साइड्स, एक रेगुलर पॉलीगन जिसकी कितनी साइड्स है, एन साइड है. तो ईच इंटीरियर एंगल,
हमें इसमें क्या फाइंड आउट करनी है, इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करनी है। तो हम इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने पिछले वीडियोस में कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, तो हमें क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, अगर हमें एक इंटीरियर एंगल निकालना है, साइड्स गिवन है, तो हम क्या कर देंगे, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल कर देंगे, ठीक है। और पहले क्या है, अगर साइड गिवन है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, और एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा तो 180 डिग्री अगर हम एक्सटीरियर एंगल माइनस कर देंगे तो हमारा इजीली क्या आ जाएगा, इंटीरियर एंगल आ जाएगा, ओके। तो हमारा पॉलीगन है 10-sided, तो 10-sided पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 360/10 हो जाएगा। तो 360/10 मीन्स 0 से 0 गया, तो मीन्स 36 डिग्री क्या हो गया हमारा, एक्सटीरियर एंगल हो गया, ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया पॉलीगन का, ओके, 10-sided पॉलीगन का। अब हमें उसका क्या करना है, इंटीरियर एंगल निकालना है। तो इंटीरियर एंगल कैसे आएगा, देखिए इंटीरियर एंगल आता है 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल क्या आया था, 36 आया था, तो 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री कर देंगे तो हमारे पास आ गया 144 डिग्री आ गया हमारा आंसर, मींस 140 डिग्री ईच इंटीरियर एंगल ऑफ 10-sided पॉलीगन हैव 144 डिग्री, ठीक है। फिर है अगर पॉलीगन क्या होगा, 15-sided होगा, अगर पॉलीगन की 15 साइड्स होंगी तो कैसे हम उसका इंटीरियर एंगल निकालेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 15-sided क्या होगा, 360/15 दैट इज 24 डिग्री, ठीक है। इसको हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 जो 15, 5 7 जो 35, 5 2 जो 10, ओके। फिर है 3 2 जो 6 एंड 3 4 जो 12, तो 24 डिग्री आ गया। अब 24 डिग्री क्या आया मेरा, एक्सटीरियर एंगल आया। इंटीरियर कैसे निकालेंगे, इंटीरियर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 180 माइनस 24 तो हो गया 156 डिग्री, ठीक है। तो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो गया, 156 डिग्री हो गया। एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री आया था, तो हमारे पास आ गया 10-sided रेगुलर पॉलीगन की ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया 144, 15-sided रेगुलर पॉलीगन की इंटीरियर एंगल आ गया 156। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। इन क्वेश्चन नंबर फोर्थ वी हैव, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, क्या ये पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन होना, ईच ऑफ उस इंटीरियर एंगल इज 100, जिसमें क्या हो, हर एक इंटीरियर एंगल क्या हो, 100 डिग्री हो। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग, हर एक रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल कितना होता है, एन साइडेड का 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल मीन्स 360/n, ठीक है। तो 180 माइनस 360/n दैट इज n, मैंने यहाँ पे क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो क्या हो गया 180 इंटू n माइनस 360/n। तो इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 100, अगर इंटीरियर एंगल क्या है, ईच क्या है, 100 है, देन 100 इज इक्वल टू 180 n माइनस 360/n, ठीक है। तो अब n यहाँ पे क्या था, डिवीजन पे उधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो आ गया 100 n इज इक्वल टू 180 n माइनस 360, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, हम कांस्टेंट एक साइड ले लेंगे, वेरिएबल्स एक साइड, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल्स ले लिए दोनों, 180n माइनस 100n इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 180 माइनस 100 क्या आता है, 80n आता है, तो 80n इज इक्वल टू 360 हो गया, तो n आगे आएगा यहाँ से, ये मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360/80, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो n इज इक्वल टू आ गया मेरा 8 4 जो 32, फिर 0.5, ठीक है, तो 4.5 हो गया। तो सिंस n इज नॉट अ इंटीजर, n ना ही कोई इंटीजर है ना ही कोई होल नंबर है, तो इट इज़ 4.5, n मीन्स क्या होता है, साइड होता है, तो 4.5 कोई भी साइड नहीं होता है। तो सिंस n इज नॉट अ इंटीजर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच जिसका ईच इंटीरियर एंगल क्या हो, इक्वल टू 100 डिग्री हो, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है होना, जिसमें क्या हो, इंटीरियर एंगल इक्वल टू 100 डिग्री हो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे क्या है, देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम क्या होगा इंटीरियर एंगल का, ऑफ पेंटागन, हेक्सागन,
नागन एंड पॉलीगन ऑफ 12 साइडेड, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन विच वी हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो दैट हाउ वी फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, फॉर्मूला क्या था, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो हमें किसके लिए पूछा गया, पहला पेंटागन, पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, एन फाइव होती हैं, तो एन इज इक्वल टू फाइव आ गया, ठीक है। तो एन इक्वल टू फाइव मीन्स इस फॉर्मूले में रखेंगे तो एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री क्या हो जाएगा, फाइव माइनस टू इंटू 180 डिग्री, तो फाइव माइनस टू क्या हो गया, थ्री इंटू 180 डिग्री, थ्री इंटू 180 डिग्री मीन्स 540, ठीक है। 540 होता है इंटीरियर एंगल का सम ऑफ पेंटागन, ठीक है, रेगुलर पेंटागन। फिर फॉर हेक्सागन, अब हेक्सागन की बात करते हैं, हेक्सागन मींस एन इज इक्वल टू सिक्स, कितनी साइड्स होती हैं हेक्सागन में, सिक्स साइड होती है, तो मींस एन इज इक्वल टू सिक्स। तो फॉर्मूला क्या था, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, एन माइनस टू क्या होता है, सिक्स माइनस टू इंटू 180 डिग्री, तो 6 माइनस टू मीन्स 4 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। 4 इंटू 180 डिग्री क्या होता है हमारा, 720, तो 720 इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, ओके। फिर है फॉर अ नोनागन, तो उसमें क्या होता है, n इज इक्वल टू 9, कितने साइड्स होती हैं, 9 साइड्स होती हैं, तो फॉर्मूला क्या निकालने का, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, तो n माइनस टू इंटू 180 डिग्री क्या होगा, 9 माइनस टू इंटू 180 डिग्री, तो 9 माइनस टू क्या होता है, 7, तो 7 इंटू 180 दैट इज 1260 क्या आ गया, सम आ गया एंगल्स ऑफ अ रेगुलर नोनागन, ओके। अब आता है हमारा फोर्थ पार्ट, दैट इज पॉलीगन ऑफ 12 साइड, ठीक है। पॉलीगन ऑफ 12 साइड कैसे निकालेंगे, 12 साइड क्या हो गया, n इज इक्वल टू 12 हो गया, तो n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, तो n माइनस टू क्या हो गया, 12 माइनस टू इंटू 180 डिग्री, तो 12 माइनस टू क्या था हमारा, 12 माइनस टू आ गया 10, तो 10 इंटू 180 डिग्री क्या हो गया, 1800, तो 1800 इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ 12 साइडेड पॉलीगन, ओके। तो दिस आर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर फिगर्स पॉलीगन मीन्स। अब आते क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे क्या गिवन है, देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल इन, ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ डायगोनल हैं। तो डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल इन एन साइडेड पॉलीगन क्या होता है, एन ब्रैकेट एन माइनस थ्री अपॉन टू, ठीक है। ये क्या हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का एन साइडेड पॉलीगन में। तो सबसे पहले है फॉर हेप्टागन, हेप्टागन के लिए अगर हमें निकालना है तो हेप्टागन मींस क्या है, एन इज इक्वल टू सेवन है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एन ब्रैकेट एन माइनस थ्री अपॉन टू, तो एन क्या था, सेवन, तो सेवन ब्रैकेट सेवन माइनस थ्री अपॉन टू, तो सेवन माइनस थ्री क्या होता है हमारा, फोर होता है, फोर इंटू सेवन क्या होता है, 28 होता है अपॉन टू, तो 28 अपॉन टू मीन्स 2 1 2 एंड 2 4 8, तो क्या आ गया आंसर, 14 आ गया, ओके। फिर है फॉर अ ऑक्टागन, ऑक्टागन मीन्स ना एंड इज इक्वल टू 8, कितनी साइड्स होती हैं ऑक्टागन में, 8 साइड्स होती हैं, तो n n माइनस थ्री अपॉन टू मीन्स 8 माइनस थ्री अपॉन टू, तो 8 माइनस थ्री कितना होता है, 5 होता है, तो 5 इंटू 8 कितना आया हमारा, 40 आया, और 40 अपॉन टू मीन्स 2 2 2 2 4, देखिए क्या आया, 2 2 4 और एक 0 आ गया, सॉरी, टू टू जो फोर और एक जीरो आ गया, तो आ गया 20 डायगोनल्स आ गए। तो फॉर अ 12 साइडेड पॉलीगन, अब 12 साइडेड पॉलीगन मीन्स एन एन माइनस थ्री अपॉन टू, तो एन माइनस थ्री क्या होता है, एन माइनस थ्री मीन्स 12 माइनस थ्री अपॉन टू, तो 12 माइनस थ्री क्या हो गया हमारा, 9 हो जाएगा, तो 9
9 × 12 108/2। तो 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 2 × 5 = 10 एंड 2 × 4 = 8, तो क्या आ गया 54 डायगोनल्स होते हैं 12 साइडेड पॉलीगन्स में। तो ये कैसे हमने फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ पॉलीगन्स निकालना विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज (n)(n-3/2)। ये फॉर्मूले की हेल्प से हमने नंबर ऑफ पॉलीगन्स फाइंड आउट कर लिए ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन शेप। अब क्वेश्चन नंबर सेवन पे हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर्स, जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या है 40 डिग्री है। तो हम उसमें क्या निकालना है, साइड निकालनी है, नंबर ऑफ साइड निकालनी है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर बोला है ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है 40 डिग्री है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ साइड निकालने, तो मीन्स 360/40 कर देंगे, 0 से 0 गया तो 4 × 9 जो क्या हो गया 36 हो गया। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, 4 डिग्री एंगल एक्सटीरियर एंगल ईच एंगल पे 9 साइडेड हो गया, ठीक है। फिर क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है 36 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल क्या है 36 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 360/36 हो जाएंगी। तो 360/36 मीन 36 × 36 और 0, तो 10 साइड्स हो जाएंगी 36 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन के, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 10 आ गई। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है 72 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, 360/72, ठीक है। तो 360/72 करेंगे तो क्या आ गया, 72 × 5 जो क्या होता है 360 होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई, मीन्स नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी पॉलीगन की, जिसमें एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है 72 डिग्री है। फिर है हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल इज 30 डिग्री, हर एक एक्सटीरियर एंगल क्या है 30 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाएगा, 360/30, ठीक है। तो 0 से 0 गया तो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 12 आ गया हमारा साइड, नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 12 व्हिच एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल इज 30 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर एट में हमें क्या करना है, देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल मेजर्स एक्स, हमें क्या करना है, इस फिगर में से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो, हमें पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस फॉर्मूला इन द प्रीवियस वीडियो, दैट इज (n-2)/180°, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। तो हमें क्या करना है, देखिए, पहले हम क्या करेंगे, हमें x फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, और x फाइंड आउट करना है, और हमें पता है, देखिए कैसे हम इसे निकालेंगे, ओके, इंटीरियर एंगल का सम हमें पता है (n-2)/180° होता है। तो एंगल ADC, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ADC मींस इंटीरियर एंगल निकालना है, इंटीरियर एंगल D, तो इंटीरियर एंगल कैसे निकलता है, 180 − एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल क्या है यहाँ पे, देखिए 50 है, तो 180 − 50 कर देंगे तो इंटीरियर एंगल आ गया, एंगल D इज इक्वल टू 130°। फिर है DAB, तो मीन्स यहाँ पे, ठीक है, तो DAB कैसे आ गया, DAB आ गया 180 − एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर क्या है इसमें 115, तो 180 − 115 आ गया 65°। फिर है एंगल BCD, मीन्स ये, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, 180 − 90 कर देंगे, मीन्स 180 − एक्सटीरियर, दैट इज 180 − 90, तो हो गया हमारे पास इंटीरियर एंगल आ गया 90°। तो हमने अभी पढ़ा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, (n-2)/180° होगा, ठीक है। तो n कितनी है, 4-sided है, तो 4 − 2 × 180°, तो 2 × 180° तो हो गया 360°, ठीक है। तो n हमारा सम ऑफ एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल क्या है, 360° है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल X प्लस A कर देंगे, ठीक है। तो एंगल D आया था मेरा 130, एंगल C मेरा आया था 90 डिग्री, और एंगल A मेरा आया था
ए मेरा आया था 65 डिग्री, फिर मेरा ये एंगल रहेगा वैसे ही पी, ठीक है, इज इक्वल टू 360. तो इन तीनों को ऐड करके 360 से माइनस करके मेरा क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा. तो इन तीनों को ऐड करके आ गया 285 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया. तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, बी की वैल्यू निकाल देंगे. कैसे निकालेंगे, इसको इधर भेज दिया तो 360 माइनस 285 दैट इज 75 डिग्री. तो ये बी क्या आ गया मेरा, 75 डिग्री आ गया. अब इंटीरियर एंगल आ गया तो एक्सटीरियर कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर निकालेंगे हम 180 डिग्री माइनस 75. ठीक है, ये क्या है, एक लाइन है. लाइन में क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है. तो अगर मैं उसे क्या कर दूँ, दो पार्ट में कट कर दूँ, जैसे कि ये, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट मुझे पता है ये निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, 180 में से इस पार्ट को माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास अपने आप ही ये वाला पार्ट आ जाएगा. तो मैंने क्या किया, 180 माइनस 75 के जो पार्ट मुझे पता था अंदर का, तो 180 माइनस 75 करने पे मेरे पास आ गया 105. तो मींस एक्सटीरियर एंगल 5 क्या आ जाएगा, सॉरी एक्स क्या आ गया मेरा, 105 डिग्री. ओके, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था, बहुत इजी था. आराम से देखिए, हमें क्या करना था, एक्स निकालना था. एक्स कैसे निकाल सकते हैं हम, जब हमें क्या पता हो, इसका इंटीरियर एंगल भी पता हो. तो हमें यहाँ पे इंटीरियर एंगल नहीं पता था, बट हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल पता है. वो कैसे निकलता है, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री निकलता है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंटीरियर एंगल फाइंड आउट किए तीनों. इंटीरियर एंगल फाइंड आउट हो गए इजीली, क्योंकि एक्सटीरियर पता थे. तो एक्सटीरियर कैसे, इंटीरियर कैसे निकलते हैं, जब एक्सटीरियर पता होता है, इंटीरियर 180 माइनस एक्सटीरियर. ठीक है, तो ये तीनों निकलने के बाद इस वाले को निकाल दिया मैंने, कैसे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल की हेल्प से, दैट इज 360 में से इन तीनों का सम माइनस करके. फिर मैं क्या करूँगी, जब मेरे पास ये आ गया, तो मैं लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर लाइन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, एक्सटीरियर वाला यूज़ कर लिया. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, एक इंटीरियर में इसको माइनस कर दिया मैंने 180 से, तो मेरे पास आ गया एक्सटीरियर की वैल्यू. तो ये था मेरा एक्स फाइंड आउट करने का तरीका. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो क्या है, देखिए इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स. इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आपको ये फिगर दिख रहा है, इसमें कितनी साइड्स हैं जरा काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, 5-sided फिगर है. मीन्स फॉर अ रेगुलर n-sided पॉलीगन, ईच इंटीरियर साइड कैसे निकालते हैं रेगुलर पॉलीगन के लिए, क्योंकि एक्स के अंदर है. तो इंटीरियर साइड निकालने के लिए रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 360 अपॉन एन होता है. ठीक है, तो एन क्या है हमारे पास, 5 है, क्योंकि कितनी साइड्स हैं इसकी, 5 है. अभी हमने काउंट की थी 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 5. तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीरियर, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 360 अपॉन एन. ठीक है, 360 अपॉन एन मीन्स एन क्या था, 5. तो 180 माइनस 360 अपॉन 5. ठीक है, फिर मैंने इन दोनों को कट कर दिया, 5 1 जा 5 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10. तो हो गया 180 माइनस 72. तो 180 माइनस 72 करने पे हमारे पास आ गया 108. ठीक है, तो x क्या आ गया मेरे, 108 आ गया. तो एंगल मेजर्स x इज इक्वल टू 108. ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस इजी सा था. हमें क्या है, फॉर्मूला लर्न करना है इंटीरियर एंगल निकालने का क्या होता है, जो कि बहुत इजी है, 180 माइनस 360 अपॉन एन. 360 अपॉन एन कैसे क्या आता है पता है आपको, 360 अपॉन एन से हमारा एक्सटीरियर एंगल आता है. ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल अगर हम करेंगे तो हमारा अपने आप ही क्या आ जाएगा, इंटीरियर एंगल आ जाएगा. तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया और हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी. एक्स क्या था, इंटीरियर एंगल था यहाँ पे. तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 14A के सॉल्यूशन. Hope you understand these questions. If you have any confusion, please tell me in the comment section, as you know. And please like, share and subscribe Q Tricks. Thank you.